हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स, अपनी कक्षा अपना एग्जाम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इन करंट अफेयर क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे किस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बीच में है वो शानदार चीज़ें आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को रासो गांवों के रूप में है वो घोषित किया है। ऑप्शन है नई दिल्ली ने, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने है वो हाल ही में ऐलान किया है कि जो नेपाल की सीमा के पास है वो 4 गांव है उनको रासो गांवों के रूप में है वो घोषित करना है। तो ये कब किया गया? तो बहराइच के एक जिलाधिकारी है जिनका नाम है दिनेश चंद्र सिंह ने है वो ये कहा कि यूपी विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा से पहले ये फैसला लिया गया कि ये 4 गांव जो कि मिहिन पूर्व तहसील में पड़ते हैं, किस तहसील में? मिहिन पूर्व तहसील में, जिनका नाम है भवानीपुर गांव, तेटिया, ढाकिया और बिछिया। ये 4 गांवों को है वो रासो गांवों के रूप में है वो शामिल किया गया है जो कि नेपाल की सीमा से है वो लगते हैं। अब ये रासो गांव क्या, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक रासो गांव को परिभाषित हम कैसे करेंगे कि परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। एक रासो गांव में कई गांव हो सकते हैं और साथ में जो गांव ग्राम प्रशासनिक अधिकारी होता है वही रासो ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है और इन गांवों के लोगों को अब जितने भी सरकार की योजनाओं हैं उनका है वो डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकेगा। तो ये कदम उठाया है योगी सरकार ने। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो एज ए हम पॉलिटिकल देखें उत्तर प्रदेश के बारे में जानना, क्योंकि हाल ही में वो इलेक्शन होने वाले विधानसभा के इलेक्शन होने वाले इंडिया में 5 स्टेट में जिनमें उत्तर प्रदेश भी है वो शामिल है। तो उत्तर प्रदेश का एज ए पॉलिटिकल देखते हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो देखते हैं आज का पॉलिटिकल यात्रा उत्तर प्रदेश के, है ना। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करते हो तो कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम है योगी आदित्यनाथ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, है ना। अच्छा, इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पर डिप्टी सीएम है केपी मौर्य और दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश का है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, 4 राज्यों से सीमा साइन करता है आपको पता होगा, जो कि है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से, जो कि भारत में एकमात्र ये इंपोर्टेंट बनता है। कौन सा? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। इसके बात करता हूँ उच्च न्यायालय की, तो यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। विधानमंडल की बात करता हूँ तो यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन सी? द्विसदनीय है वो विधानमंडल है। इसमें विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में टोटल 403 सीटें जहाँ जिस पर है वो इलेक्शन होने वाले। इसके अलावा लोकसभा की 80 सीटें हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर दूधवा नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पर ओखला पक्षी अभयारण्य है, पटना पक्षी अभयारण्य है। तो ये सारी चीजें आपको एज ए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं तो डांस फॉर्म की, तो यहाँ पर कथक है वो यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, इसका मतलब एक स्टेट डांस फॉर्म है। इसके अलावा बात करता हूँ यूनेस्को साइट की, तो यहाँ पर ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी है वो एज ए यूनेस्को साइट है। लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है स्टैटिक जीके का। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश के बारे में। अब लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है वो हाल ही में उद्घाटन किया है। इसके अलावा है वो जो ये कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ये यूपी का 3रा एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा यूपी का है वो पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया है नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में है वो पहला एयर कंट्रोल पॉल्यूशन टावर है वो लगाया है, कहाँ पर? नोएडा में। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जो कि नोएडा में स्थित है, जेवर एयरपोर्ट का, है ना। इस एयरपोर्ट में एयरपोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है हाल ही में, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कहा जाता है कि ये यूपी की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे है, यूपी की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। झांसी रेलवे स्टेशन का हाल ही में नाम चेंज करके उसका विराजमान लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उसके अलावा काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम रखकर काकोरी एक्शन रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम हाल ही में चेंज करके वहां पर जनरल बिपिन रावत के नाम पर उसका रख दिया, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। किसका? मैनपुरी के सैनिक स्कूल का, मैनपुरी के सैनिक स्कूल है उसका नाम चेंज कर दिया जनरल बिपिन रावत के नाम पर, ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक अभियान की शुरुआत हुई जिसका नाम है
निर्भया एक पहल उसका शुरुआत हुई था यूपी में। तो ये सारे के सारे पॉइंट है आपको यूपी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के ग्राहक अनुभव को आगे बढ़ाने के लिए आरबीएल बैंक ने किसके साथ है वो समझौता किया। ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आरबीएल बैंक और गूगल ने है वो बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति सहयोग की है वो घोषणा की है। इसके माध्यम से क्या करेंगे कि बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको जाना जाता है अबेक्स 2.0 के माध्यम से है वो अपने तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार की सेवा के लिए अपने मूल्य का प्रस्ताव विस्तार है वो करेगा। बात करते हैं आरबीएल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और महाराष्ट्र में। बैंक के सीईओ और एमडी है राजीव आहूजा। कौन है? राजीव आहूजा। और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन है भरत सुब्रमण्यम, मित्रबा गुहा, संकल्प गुप्ता, राजा ऋत्विक। तो हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। कौन है? भरत सुब्रमण्यम। तो 72वें थे मित्रबा गुहा, 71वें थे संकल्प गुप्ता और 70वें थे राजा ऋत्विक। ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको इस चैनल वीडियो लेक्चर के वो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से है वो आप इस पीडीएफ को है डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है वो रोजाना क्विज अपडेट करते हैं जहाँ से आप है वो इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर की और आप स्टैटिक जीके की क्विज होती है। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है कक्षा अफेयर नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम क्विज अपडेट करते हैं डेली के, तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल को भी है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जीता है ये किसने जीता है? ऑप्शन है इरकॉन ने, रिलायंस ने, पीसीएस ने या फिर केएसीवी ने। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जीता है केएसीवी ने। अब ये केएसीवी क्या है? तो ये है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम केएसीवी के नाम से जानते हैं। इसको है वो हाल ही में विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से है वो सम्मानित किया है, जिसको हम जानते हैं इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड के नाम से है वो जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से भी पूछ सकता है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड या फिर अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार, तो इनको है वो आपको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की है वो अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन हुआ है? ऑप्शन है काकोरी, भोपाल, केवड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गुजरात के सूरत में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर है वो एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अच्छा बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का है वो हम विजिट कर लेते हैं एक बार। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर है वो गुजरात की कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी, सॉरी 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 विजय रूपाणी नहीं, विजय रूपाणी है पूर्व सीएम है। यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है वो नए सीएम है। अच्छा इसका है हाईकोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। विधानमंडल की बात करता हूँ तो यहाँ पर विधानसभा में 182 सीटें, 11 सीटें राज्यसभा में और लोकसभा में 26 सीटें। अच्छा नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो यहाँ पर गिर वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क है। गिर वन्य जीव और अभयारण्य और नेशनल पार्क है जो कि हमारे एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, ये गिर वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क। इसके लिए इसके अलावा ब्लैकबक नेशनल पार्क है। कौन सा? ब्लैकबक नेशनल पार्क है। समुद्री नेशनल पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क है। जंगली गद्दा नेशनल पार्क है, जंगली गद्दा नेशनल पार्क है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो समुद्री नेशनल पार्क है कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा इसके अलावा आपका गहिर माता है वो अभयारण्य कहाँ पर है? गहिर माता अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का वो है कच्छ। कच्छ है वो यहाँ पर लोकेटेड है, जो कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का कच्छ है वो यहाँ पर लोकेटेड है। फेस्टिवल की बात करता हूँ यहाँ पर तो भवनाथ महादेव का मेला है, दर्श दरबार, विचित्र मेला, मकर संक्रांति और पतंगबाजी महोत्सव है, द कच्छ महोत्सव, भद्रा पूर्णिमा, ये सारी। अच्छा डांस फॉर्म की बात करता हूँ, डांडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। डांडिया, गरबा, पादार, भवाई,
और टिप्पणी, ये डांस फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम तो यहाँ पर यूनेस्को साइट की बात करता हूँ, तो चंपा नहर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क, यहाँ पर रानी की वाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है वो यूनेस्को साइट में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा की जीवनी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी कब लॉन्च होगी? ऑप्शन है अप्रैल में, अगस्त में, नवंबर में या फिर दिसंबर में। तो नवंबर 2022 में है वो रतन टाटा की जीवनी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी है वो लॉन्च होगी नवंबर 2022 में। अच्छा, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है कि जो वीवो आईपीएल है, आईपीएल जाना जाता था वीवो आईपीएल के नाम से, अब क्या हुआ कि वीवो की है वो स्पॉन्सरशिप हटा दी गई, उसकी जगह अब स्पॉन्सर करेगा आईपीएल को टाटा, तो अब आईपीएल को जाना जाएगा टाटा आईपीएल के नाम से। किस नाम से? टाटा आईपीएल के नाम से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूज आज ही आई है लेटेस्ट, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, किस नाम से जाना जाएगा? टाटा आईपीएल के नाम से। बहुत ही एक फक्र वाली बात है हमारे इंडियन के लिए कि एक चाइनीज कंपनी है वो स्पॉन्सर ना करके अब स्पॉन्सर करेगी एक इंडियन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर सेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीती? ऑप्शन है वेरोनिका कुदुरमेटोवा, मैक्सिस क्रेसी, राफेल नडाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में समर सेट टेनिस टूर्नामेंट जीता है राफेल नडाल ने, और इन्होंने मैक्सिम क्रेसी को है वो हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म ड्रामा का है वो अवार्ड किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, वेस्ट साइड स्टोरी, बेलफास्ट, ड्यून, बेलफास्ट को या फिर ड्यून को। तो हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए है वो अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग। किसको? द पावर ऑफ द डॉग को है वो ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है वो 2022 मनाया गया है 11 जनवरी को। अच्छा, 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, 9 फरवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया है। 9 फरवरी को क्या मनाया गया? प्रवासी दिवस। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।